दोस्तों हमारा नया वीडियो आ चुका है अभी क्लास 4। पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उससे देख लो, और मतलब वो ऐप 3D ग्राफिक्स वाला वो भी दिया है वो भी देख लो। तो अभी आज भी इजी लेक्चर है, आज भी छोटा ही होने वाला है जरा सा। आज के देखिए हम आज अपर बीट्स का देखने वाले, हम आइंदा कैसे देखते थे लोअर बीट्स का, तो आज वो वक्त आ गया हम अपर बीट्स का देखने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 + 2 है, नहीं इधर 1 था सॉरी, 5 + 1 + 2, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले फाइव लेना, फाइव कैसे लेंगे, यूनिट रॉड में फर्स्ट अप बिट, एक बिट की वैल्यू क्या होती है 5, मैंने पहले भी आपको बताया था, ऊपर की एक बिट की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। तो वो कैसे करेंगे, 5 लेंगे ऊपर से नीचे, तो उसकी एबैकस की वैल्यू हो जाएगी 5, उसमें 1 लेना है, 1 तो आपको पता है लोअर बिट्स के एक बिट की वैल्यू 1 होती है, तो एक लेंगे तो और एक, और 2 लेना तो कैसे नीचे को और 2 बिट ऊपर करें, तो ऐसे हमने किया तो आंसर आ जाएगा 8। और ये आपको मेंटली करना है वरना एबैकस पे करना है, ये तो स्कूल मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा, पर आपको ऐसे ही करना है, ध्यान में रखो ऐसे ही करो तो आंसर आ जाएगा 8। तो अभी ये तो आप समझ लेते हो, तो प्रैक्टिकल में भी जाके देखते। तो हमारा वो सम था, वो क्या था 5 + 1 + 2, तो उसको कैसे करेंगे हम, पहले 5 को प्लस करेंगे, ऊपर की यूनिट की 1 बिट की वैल्यू 5 होती है ऊपर की, तो ऊपर बिट से 5 की है, फिर 1 करना है लोअर बिट की वैल्यू 1, और 2 करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। ये बहुत इजी था, दूसरा भी देखते। तो अभी उसका आंसर आपको पता चला होगा 8 होता है उसका आंसर, वो भी इजी था 8, क्योंकि मैं उस साइड से इधर आया क्योंकि उधर से मेरा बहुत शेडो पड़ रहा था इधर, पर नेक्स्ट टाइम मैं इधर भी लाइट बिटा दूंगा एक। तो अभी नेक्स्ट सम क्या है, 5 + 3 मतलब कैसे करना है, आपको वापस ऊपर की बिट का 1 बिट नीचे, क्योंकि ऊपर की 1 बिट की वैल्यू 5 होती है, 3 कैसे करेंगे 1, 2 और 3। ये मैं ऐसे क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेंटल के लिए है, ये मेंटल के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सब किस लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, मेंटल करने के लिए, और प्रैक्टिकल में वो अबैकस करने के लिए। A few moments later. तो आओ ये भी अबैकस पे एक बार देख लेते हैं। तो अभी वो सम्स क्या था, 5 ऊपर का बिट का 1 बिट का वैल्यू 5 होता है क्योंकि अपर बिट है वो, नीचे के लोअर बिट्स पे 1, 2 और 3 क्योंकि 1 बिट की वैल्यू 1 होती है, 1, 2, 3 हो गया, तो उसका आंसर भी 8 ही था। ये भी इजी है, दूसरा भी देख लेते। तो अभी वो भी उसका भी आंसर आपको पता चला होगा 8 है उसका आंसर भी, 8 आ गया। तो अभी नेक्स्ट थर्ड सम है, एकदम लास्ट वाला सम है 5 + आज मैं आपको इतना ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये भी इजी था, क्योंकि आज हम बस अपर बिट का समझने वाले थे। तो 5 + 1 बहुत इजी है, 5 ऊपर का 5, अभी ये इसकी अभी हैबिट बन गई होगी आपको, नीचे का 1 तो 6 हो गया, ऊपर का 1 बिट का वैल्यू 5, नीचे का 1 बिट का वैल्यू 1, क्योंकि लोअर एंड अपर बिट्स में यूनिट का है। तो ये इजी है, आप मेंटली करो ऐसे ऐसे एबैकस को करके, आप ऐसे वीडियो देखते जाओ, उसमें ना मैं आपको लिंक में नहीं, आप देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके एबैकस का, वो मेंटल कैसे करते तो वो लोग एकदम फास्ट फास्ट करते, वैसे ही आपको ऐसे ही उन लोगों को समझाते, वही मेथड आपको मैं समझा रहा हूँ, बस ये ठीक से करो, एकदम ठीक से फॉलो करो, बस आपको ये भी आ जाएगा, फिर आप भी उन लोगों जैसे करने लगेगा, बस मेरा वीडियो पूरा फॉलो करो, नहीं देखा होगा तो बेसिक से वापस स्टार्ट करो। तो आओ अभी ये भी प्रैक्टिकली देख लेते एक बार। 2000 years later. तो उसका आंसर भी एकदम इजी था, ऊपर का 5 लिया तो ऊपर का 1 बिट का वैल्यू 5 होता है, नीचे का 1 लिया तो 6 होता है, तो इसका हमारा ये वीडियो भी अभी पूरा खत्म हो गया है, क्लास 4 हो गया पूरा अभी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी है, और ये इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरे फ्रेंड्स को भी एबैकस का कुछ नॉलेज चाहिए होगा तो वो उसको भी ये सेंड कीजिए, यही वीडियो मत सेंड, उसको बोलो पहले से देखो, फिर आपको बहुत समझ जाएगा, फिर कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट भी कीजिए, मैं आपको दूसरे लेक्चर में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।